नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुरकुलिया न्यूज में, जो आपको रखे खिलखिलाते हुए। तो आंखों से सुनिए और कानों से देखिए टॉप कुरकुलिया न्यूज। दहेज मांगने पर ससुर के मुंह पर थूक के भागी दुल्हन, शादी ना होने से बौखलाए दूल्हा, टेंट का सामान ले भागा, गाइस से अपना खर्चा निकालूंगा। आइए अब हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं वो ससुर जिनके मुंह पर आज थूक करके भागी दुल्हन, और वो टेंट वाला जिनका टेंट का सामान ले भागा दूल्हा। नमस्ते, नमस्ते करो। हाँ नमस्ते। उसने कहा कम बेइज्जती की थी हमारी, जो तुम भी यहाँ में बुला कर बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो। नो। हाँ तो आप बताइए, जिस वक्त दुल्हन आपके मुंह पर थूकी उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं सो रहा था और दुल्हन मेरे पास आई और मैं बोली कि मैं भाग रही हूँ और मैं आपके मुंह पर थूकना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि थूकना क्या है, थूकने के साथ साथ तुम मुठ के भी चली जा। कैसे बेवड़ा सवाल पूछ रहे हो आप। हाँ तो बताइए, जिस वक्त दुल्हन ने आपके मुंह पर थूका उस वक्त उसने ब्रश किया था? और यार ये सवाल नहीं पूछो तो ही अच्छा होगा, क्या बताएं आपको। उन्होंने पूछा वही तो बताएगा। अच्छा ज्यादा जानता है। नहीं नहीं, इतनी बुरी बदबू इस साला एक हफ्ते वाले मोजे में नहीं आती। oh, no. बुरी बदबू है, उससे साला में 3 दिन कोमा में रहा। अगला सवाल टेंट वाले आपसे, तो बताइए दूल्हा आपका क्या क्या लेके भागा? मेरा तो कुछ ही नहीं लेके भागा, वो तो टेंट का सामान लेके भागा है। 2 बराती 3 चम्मच और 4 बाल्टी। आपका तो मैसेज यही घूमता है, 2 बाल्टी 4 बराती, साला इसी में हमारा निमून निकल जाता है पूरा। बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। संतान में दारू की ठेकी खुलने के बाद उनके नतीजे आने, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए चर्चा में। अरे भाई इतनी भुखाली क्यों बैठा है? अरे बताए ना भुखाली क्यों बैठा है तू? यार जिंदगी चल रही है, लॉकडाउन में टाइम पास ही नहीं हो रहा यार। चल तू बाहर आ, फिर मैं तेरा टाइम पास करूँ। और अपने यहाँ पे डालना कुरकुलिया 03, मैंने पहले डाल रखा था। तो ये देख, ये मस्त वीडियो बनाते हैं लोंडे, इनका जाके वीडियो देख। ये देख, एक बड़ा दिन बढ़िया नया जल्दी आने वाला है, एक वीडियो इनका। कब आने वाला है? बस जल्दी 2-4 दिन में आने वाला है बस। तो फिर वही देखूंगा मैं आपसे। अरे बारे दे। मारे दे, अरे बारे। अबे साले डंडवे लड़के रहे हो इसने, मैं बेड़े ला ले बेड़े। मैं बीड़ी पीता नहीं हूँ, मैं तो रगड़ता हूँ तंबाकू। दारू के ठेके खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? आशीष जी आप बताइए। भाई हमारा तो यही कहना है कि दारू के ठेके नहीं खोलने चाहिए, जिस तरह आप इस बेवड़े को देख ही रहे हैं। ए, मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं कहेगा, लास बचा दूंगा, लास सुधरी का। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। लॉकडाउन में दारू के ठेके खुलने के बाद महिलाओं ने की पार्लर खोलने की मांग। तो हमारे एक्सपर्ट संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, पार्लर खोल देने चाहिए या नहीं? हाँ पार्लर खुला देने चाहिए। कल ही मैं अपनी लुगाई को देखकर डर गया कि ये साला सुधरी का रीच कहाँ से आ गया। सही कह रहा हूँ गजी, कल मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा, पूरी मर्द लग रही थी। अगली न्यूज प्यार के ऊपर। प्यार में अंधा दामाद सासू माँ को लेके भाग गया। हाँ तो संजय जी आपका क्या मत है इस पे? मेरा एक क्वेश्चन है, अगर दामाद अंधा था तो सासू माँ को लेके कैसे भाग गया? लगता है साला सासू माँ ही गोदी में लेके भाग गई थी। बस के प्यार में अंधा था वो, आंखों से नहीं। तो बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। पेरेंट्स मीटिंग में महिला को लेवा का प्रिंसिपल। हमारे संवाददाता कंजर वहीं पे मौजूद है। हाँ कंजर, हेलो कंजर, आवाज नहीं। साला कुरकुले की सीन ले रखता है। हाँ तो कंजर वहाँ के हालत बताइए। हाँ सर, हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। हाँ तो हम पहुंच गए घटना स्थल पर, अब देखते हैं वो बच्चे का क्या हाल चाल। बच्चा तो बहुत तेजी से रो रहा है अपनी मम्मी की याद में, तो आइए हम उस बच्चे से बात करते हैं। इतने क्यों रो रहे हो? मुंह में कुछ कह रहे हैं क्या हुआ जो आप इतना रो रहे हो? रोऊंगा क्यों नहीं, मैं लॉलीपॉप नाली में गिर गई। oh, no. अच्छा लॉलीपॉप नाली में गिर गई, तो ये लो लॉलीपॉप। तो आप बताइए आपकी मम्मी भाग गई तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? भागने तक भाग गई तो स्कूल की छुट्टी आ गई। अच्छा स्कूल की छुट्टी आ गई, तो देखा आपने बच्चा कैसे कह रहा है कि छुट्टी आ गई। तो मैं रिपोर्टर कंजर हूँ, मेरे साथ कैमरामैन लसन के साथ, बने रहे कुरकुलिया न्यूज पर। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बॉयफ्रेंड ऑन की हड़ताल, यदि पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा भैरव बाबा माना जाए। इसी से संबंधित अगली न्यूज है, घर से भागे प्रेमी युगल को स्टेशन पे धर दबोचा। अब इसी पे हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है सिंगल लौंडे रणवे, और उनके साथ मौजूद है मेरे बाबू ने थाना था लिया वो वाले। नमस्ते। साले इन प्रेमी युगल को देखने के लिए तो मैं डीटीएच का रिचार्ज करवाता हूँ। इतनी नफरत हमसे? हाँ जैसी तेरी सूरत है रणवे, वैसे तेरे नेक विचार है, इसलिए तू रणवे ही मरेगा। मेरा एक मत है बॉयफ्रेंड के लिए,
कि है ना साल में दो चक्कर करवा चौथ के, और बॉयफ्रेंड के लिए भी करने चाहिए क्योंकि इतना खर्चा करते हैं और तोतला और बनते हैं ऊपर से। मेरे बाबू ने ताना ताया रात रात भर बातें करते, जिंदगी झंड हो गई है, इसलिए बॉयफ्रेंड को छोटा मोटा भैरव बाबा बनना चाहिए।